मैं खेसारी लाल को खुलेआम कहना चाहता हूँ, और समीर चौधरी धुआं धुआं हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया पूछे हो। हम कोई आदमी फेसबुक पे डालता है कि अवतनी बनारस में दहर उपाय करे, तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा दादा ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, उनके कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। एक नंबर में बात का कहेगी, पांच नंबर में मैं है। और तुम जो बोल रहे हो आपसे ज्यादा दिमाग रखता हूं। कलाकारों हिजड़ों से कहना चाहते हैं कि साड़ी पहन के ठुमका मारना, किसी के ताल पे ताल बजा के अपने सीसीटीवी पूरा प्रूफ हो गया है। और जो मैनेजर को मैं कहना चाहता हूँ, मैनेजर तू भाग अब। के साथ वो काम कर चुकी थी, लेकिन एक चीज ये भी है कि अभी तक उनके घर पर मात्र एक चेहरा है, अक्षरा सिंह, जो वही आई थी उस परिवार से मिलने के लिए। और तमाम ऐसे बड़े स्टार हैं जो अभी तक कोई नहीं मिलने के लिए आया। ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सामने सवाल है, पूरे इंडस्ट्री के सामने सवाल है, क्योंकि सारे लोगों के साथ आकांक्षा दुबे काम कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि किसी के साथ काम नहीं की है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इस मामले को पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ न्याय हो। अमित राय जी हैं, डायरेक्टर जी हैं। सबसे पहले आप हमको यही सब जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है इस मामले में, क्योंकि उनके माँ के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि समर सिंह और कथित तौर पर उनका भाई संजय सिंह, क्योंकि ये भी खुलासा हुआ कि संजय सिंह उनका कोई भाई नहीं है, पता नहीं कौन है, ये नहीं पता चल पाया है। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ हुआ है? देखिए, मामले में हुआ जो कुछ है वो दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, और उसके बाद जितना लीपा पोती हुआ है, जो एसओ हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, एक बात हम उनको नसीहत दे देना चाहते हैं कि ये